एक्सप्रेस स्टेशन में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ वंदीप। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी मंडल में महापौर को शामिल करने की मांग की है। और सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को भी शामिल करने का आग्रह किया है। सीएम बघेल ने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है, किंतु संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों के शामिल नहीं होने के कारण असंतोष देखा जा रहा है। संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग भी की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रुपेश, आखिर क्या कुछ वजह मानी जा रही है कि महापौर को भी शामिल करने की मांग की है मुख्यमंत्री ने? दो तीन वजह हैं जिसको देखना पड़ेगा। पहली वजह तो ये है कि कांग्रेस के पास खुद एक अपना बड़ा तबका है जो कि निगम और तमाम जगहों पे काबिज है सत्ता पर, तो कांग्रेस चाहेगी कम से कम कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो और सिर्फ अधिकारियों के भरोसे किसी स्कीम को नहीं छोड़ा जा सकता, ये कांग्रेस का मानना है। जब तक उसमें जनप्रतिनिधि शामिल नहीं आएंगे तो जनता की भावना के अनुरूप सारी चीजें नहीं होंगी और इसीलिए कांग्रेस ने ये डिमांड की है ये लॉजिक देते हुए। और चूंकि जो डेमोक्रेसी का बेसिक सेटअप है उसमें जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव है उनका अपना स्थान है, इस बात के मद्देनजर भी ये बात कही जा रही है, ये डिमांड की जा रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने एक तरह से जो अपने पूरे निगम मंडल में तमाम लोग हैं और उन लोगों की ओर से ये मांग उठी थी कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें वो लोग शामिल नहीं है, लिहाजा उन लोगों को भी शामिल होने का मौका मिला। और रुपेश, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? हमें केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, अब चिट्ठी पे क्या निर्णय होता है, कितना संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ होता है, आने वाले दिन की बात है। फिलहाल लेकिन ऐसी कोई रिस्पांस या कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चिट्ठी आज ही भेजी गई है तो जाहिर तौर पे कुछ वक्त लगेगा जी। और रुपेश, जनता के पसंद का भी इसमें जिक्र किया है, तो जिस तरह से स्मार्ट सिटी मिशन में परिवर्तन करना चाहती है भूपेश सरकार, इसको लेकर क्या अभी तक कुछ भी स्पष्ट हो पाया है या किन चीजों से वो असंतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट होने की एकमात्र वजह ये है कि स्मार्ट सिटी का देश। यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में इजाज खेवर जुड़ गए हैं जो कि रायपुर के महापौर हैं। इजाज जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। नमस्कार मैडम। तो स्मार्ट सिटी मिशन में महापौर को भी शामिल करने की मांग की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, ये बहुत अच्छी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमने पहले भी जब यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी की एक गोवा में मीटिंग हुई थी, हमने उसी समय कह दिया था कि आपने हमको, जब यहाँ पर स्मार्ट सिटी की मीटिंग हो रही है आपने हमको बुलाया है, मगर स्मार्ट सिटी में अगर अधिकार पूर्वक आप बोलोगे तो कहीं पर भी जो महापौर रहता है उसका कोई रोल नहीं रहता। पूरी योजनाएं जो वहां पर बैठे एमडी सीओ ये लोग बनाते हैं और अपने आधार पे काम करते हैं, मगर काम करने के बाद फिर अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसका जो जवाब है वो महापौर को देना पड़ता है, संबंधित मंत्री को देना पड़ता है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए जो माननीय भूपेश बघेल जी ने जो केंद्र में जो चिट्ठी लिखी है वो इसलिए लिखी कि अगर जनप्रतिनिधि के रूप में अगर एक वहां पर आदमी एक नुमाइंदा रहेगा तो निश्चित तौर पर काम का आकलन भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा। अगर कोई गलत काम होता है या कोई गलत वो होता है तो उसको लेकर महापौर और संबंधित जो अधिकारी रहेगा वो दोनों बराबर जो भी काम होगा उनके नजरों में होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मांग की है ये बहुत अच्छी मांग है। पूरे राज्य छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में ये जहाँ जहाँ हमारे साथ में बीजेपी नेता केदार गुप्ता भी जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसमें महापौर को जोड़ना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक टेक्निकली वर्क करने का अभी जो समय है उसका, ये नया केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट चालू किया है और इसमें अधिकारी वर्ग सोचकर विचार करके और जनता की राय लेकर और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से जब तक के
चुनी हुई बॉडी उसको ओके नहीं करती है तो काम आगे नहीं बढ़ता। तो केदार जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि महापौर को जोड़ना चाहिए इसमें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी राय मशवरा लेकर ही आगे बढ़ते हैं। जब उनकी राय ली जा रही है और सुझाव, चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में जॉर्ज चेबर जो कि महापौर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। एजाज जी, आपने सुना ही होगा कि बीजेपी का साफ कहना है कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मैडम देखिए, आप ये इनका तो कह रहे हैं, इनका तो काम ही है गलत सलत बोलना, मगर मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी काम होता है जब तक के उसमें जनप्रतिनिधि ना हो, जब तक के अगर कोई गलत काम अधिकारी करता है तो लगाम दिलाने वाला कोई नहीं है मैडम। जब इसमें जब तक के आप महापौर को नहीं जोड़ोगे तब तक स्मार्ट सिटी का काम का संचालन नहीं हो सकता। केदार गुप्ता जी को क्या मालूम मैडम, वो कितना समझते हैं, उनको थोड़ी मालूम है मैडम क्या होता है नगर निगम, क्या होता है स्मार्ट सिटी। जी, क्या कुछ कहेंगे केदार जी? अब ये तो एजाज भाई की समझ है कि मेरे को क्या समझ है क्या समझ नहीं है। मैं तो उनके वार्ड में ही रहता हूँ, मेरे वो पार्षद भी है, महापौर भी है, और जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का सवाल है तो सभी को जानकारियां तो रहती है कामों की, और अपनी अपनी पार्टी के विचारों को लेकर आगे बढ़ता है। इसमें कोई व्यक्तिगत मतभेद किसी का नहीं है, पर अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है और उसके नियम और कानून लागू हो रहे हैं तो उसको सबको सर्वमान्य करके और शहर के विकास के बारे में चिंता करना चाहिए, और सभी के सुझाव स्मार्ट सिटी में आमंत्रित होते हैं, और बिना सुझाव के बिना विचार विमर्श के काम नहीं होते हैं। मैडम इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि जब काम का संचालन करना है, काम को जब संचालित करना है, इसलिए तो बोल रहे हैं उसमें महापौर को जोड़ना चाहिए, तब तो कहीं जाके काम का संचालन होगा। एक बात बताइए मैडम, जब तक के किसी भी काम में कोई जनप्रतिनिधि, एक बात बताइए, स्मार्ट सिटी में अगर कोई गलत काम होता है, कोई गलत प्रोजेक्ट आ जाता है, अधिकारी कोई गलत प्रोजेक्ट को काम को बना देते हैं, तो उसका जवाब मैडम किसको देना पड़ता है भाई? आज अगर कुछ स्मार्ट सिटी रायपुर स्मार्ट सिटी में कोई भी गलत काम हो जाएगा तो उसका जवाबदारी किसकी, उसकी जवाबदारी किसकी तय होगी? जो संबंधित महापौर होगा या संबंधित मंत्री होगा। आप लोग भी किससे सवाल पूछेंगे, महापौर से पूछेंगे या संबंधित मंत्री से पूछेंगे? मगर जब वो लोग का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा मैडम वहां पर, तो निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूँ तालमेल से काम अच्छा होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है केंद्र शासन का, मगर इसमें जनप्रतिनिधियों को रहना चाहिए जिसमें काम का संचालन बढ़िया होगा। जी केदार जी, एक सवाल आखिरी मेरा आपसे रहेगा, क्या आपको नहीं लगता कि महापौर को इसमें शामिल होना चाहिए? क्योंकि महापौर या पार्षद ही ऐसे लोग होते हैं जो जनता की जो मूलभूत सुविधा है क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है ये उनको बखूबी पता होता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें अपॉइंट होते हैं तो उससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। परंतु उसका ये भी मतलब नहीं होता है कि जो अधिकारी काम करते हैं उनकी कोई जवाबदारी नहीं होती, उनकी भी जवाबदारी होती है, और अगर उनके काम में कोई खोट होता है तो वो सस्पेंड होते हैं, और अगर निर्वाचित प्रतिनिधि के ध्यान में वो चीजें आती है तो निश्चित रूप से वो एक्शन भी लेते हैं, और अगर कोई चीज कमी ज्यादा रहती है तो उसका वो सुझाव भी दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए, और हर योजनाओं में कमी और ज्यादा निकालना उचित होता नहीं है। शहर का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है। महापौर बने हम बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज पहली बार उनके साथ डिबेट में बैठने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, आगे बढ़े, परंतु साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की योजना अपनी मांग रखे कि महापौर को शामिल करना चाहिए, परंतु उसका विरोध ना करें। केदार जी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी हम करते हैं उससे जनता का भला ही होना चाहिए। जॉर्ज जेबर जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर ऐसा होता है, अगर आपको इस मिशन में शामिल किया जाता है तो मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी और मुख्यमंत्री ने एक बहुत ज्यादा जो भरोसा है वो आप पर जताया है, तो अगर आप इस मिशन में शामिल होते हैं तो क्या लगता है आपको किस तरह से इस मिशन पर काम होना चाहिए? देखिए मैडम, इसके पहले सांसदों को भी इसमें जोड़ा गया है मैडम, जैसे कि हमारे यहाँ सुनील सोनी जी, इसमें सब लोगों को इसमें जोड़ा गया है, केंद्र से भी जोड़ा गया है। जब सांसदों को जोड़ा गया तो निश्चित तौर पर मैडम, अगर जब महापौर जुड़ेगा तो जो काम का जो शैली है, जो कार्य करने की जो शैली है, जो जितने भी इसमें योजनाएं हैं,
जो भी स्मार्ट सिटी की जो प्लानिंग है ये जनप्रतिनिधियों के सामने बनेगी। और सबसे बड़ी बात मैडम इनकी एक आखिरी में एक बीओडी की मीटिंग होती है जिसमें सेक्रेटरी मैडम और ये लोग बैठ के प्लानिंग करके काम को ये लोग वो कर देते हैं, उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं रहता। तो जब मैडम ये सब हम लोगों के शामिल होने से जो बीओडी की मीटिंग में जनप्रतिनिधि भी बैठेगा उसमें कौन कौन से काम आपको करने हैं, कौन कौन से रायपुर में विकास करने हैं। और मैडम सबसे बड़ी बात ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ मेरी मांग नहीं करी है, मुख्यमंत्री जी ने देश के उन जो महापौर हैं पूरे जिनका वाकई में अधिकार स्मार्ट सिटी में होना चाहिए उनको वाकई में बैठना चाहिए, मुख्यमंत्री ने पूरे देश के लिए मांग की है कि स्मार्ट सिटी में आप महापौर को बैठाइए जिसमें काम का संचालन बढ़िया हो। बिल्कुल एजाज जी, क्योंकि बात अभी हम रायपुर की कर रहे थे और आप रायपुर के महापौर हैं तो मुझे लगता है रायपुर पे एक मेन फोकस होता है छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एजाज जी आपका। हमारे साथ में केदार गुप्ता भी जुड़े हुए थे बीजेपी नेता, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और रुपेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संवाददाता। रुपेश, दोनों ही पार्टियों के तर्क हमने सुने, अब जो फैसला है मुझे लगता है वो हाईकमान के पास है कि अब आगे क्या कुछ होता है। देखिए केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा का ये काम करने का तरीका रहा है तो वहां पे एक कोई व्यक्ति सेंटर में होता है और उसके बाद तमाम अधिकारी होते हैं, वो अधिकारियों पर ज्यादा यकीन करते हैं और जनप्रतिनिधित्व का जो सेटअप है वो वैसा नहीं है जैसा कि कांग्रेस में है। क्योंकि वो लोग अनुशासन के नाम पे, आपको याद होगा कि कहीं मुख्यमंत्री हो कहीं प्रधानमंत्री हो तो चर्चाओं में सिर्फ वही नाम होते हैं, बाकी उनके मंत्री कौन होते हैं, क्या कुछ होते हैं, उनकी गतिविधियां क्या होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं होती है। भाजपा शासन काल में कमोवेश कांग्रेस में भी यही होता है या दूसरी पार्टियों में भी यही होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। तो जाहिर तौर पे उनके पास उनको ज्यादा भरोसा और ज्यादा एतबार नौकरशाहों पे होता है जी। और चूंकि सेंट्रल से संचालित है तो सेंट्रल के जो रिप्रेजेंटेटिव है पार... और जो मेन वजह है उसकी वो भरोसा ही दिखाई दे रही है जिसके चलते भूपेश बघेल ने मांग की है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सोसर के किसानों के लिए सफेद सोने की खेती।